राक्षस को देखता हूं मैं। कहां गया? कहां गया वो राक्षस? वानर, मैं साधारण राक्षस नहीं हूं, मैं मित्रज्ञ हूं। मित्रज्ञ, तू मुझे मारना तो दूर, मेरे निकट भी नहीं आ सकते। गवाई बचो। अभी बताता हूं इस दुष्ट राक्षस को। हनुमान, ये मित्रगण अपनी तीव्र गति के कारण किसी के पकड़ में नहीं आ सकता, मात्र इसकी परछाई का अनुसरण करके ही इसे पकड़ा जा सकता है। इसकी छाया से ही इसकी काया को वश में करना होगा। लंका का राजपाट पाने के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। धन्यवाद मित्र हनुमान। धन्यवाद कैसा मित्र, एक दूसरे की सहायता करने से ही विजय पत्र प्रशस्त होता है। तुम गवई की सहायता के लिए जाओ, मैं गंधमादन की सहायता के लिए जाता हूँ। हनुमान, कनल की सहायता के लिए जाता हूँ। और ज्ञात रहे, राक्षसों की शक्ति ही उनकी दुर्बलता है, यही सूत्र है उनकी मृत्यु का, इसी से उनका वध किया जा सकता है। मुझे हनुमान को युद्ध में उलझाना होगा ताकि राक्षस अग्नि केतु और आक्रांता सुग्रीव पर आक्रमण कर सके। अब इस वानर दल में मचेगा हाहाकार। शक्ति उसके नेत्र गोलकों में है, उन्हें ही अपना लक्ष्य बनाओ। उचित है विभीषण जी।
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस दुष्ट वानर हनुमान के होते हुए मेरी योजना सफल नहीं हो सकती, किंतु इसे यहाँ से हटाने के लिए कुछ करना होगा। इसको यहाँ से हटाना इतना सहज नहीं। अपने साथी वानरों को घोर संकट में देखकर ही यह वानर हनुमान अपना स्थान छोड़ सकता है और ये संकट उत्पन्न करेगा मेरा मायावी यज्ञकूप। यज्ञकूप नहीं आने दूंगा मैं। इनका ध्यान भटकाने की मेरी योजना सफल हो रही है। जब तक यज्ञकूप हनुमान और अंगद का अंत करेगा, तब तक अग्निकेतु और अक्रांता मेरा कार्य सरलता से पूर्ण करेंगे। कर्कश कर्ण भेदी ध्वनि है यह।
असहनीय है ये ध्वनि, कैसे शांत होगा ये राक्षस। सर्वप्रथम मुझे अंगद और इन वानर सैनिकों को इस राक्षस के प्रभाव से मुक्त कराना होगा। सखा, मैं उठाकर इनका बचाव कर लिया इस वानर ने, किंतु निकट आने पर मेरे ध्वनि प्रहार से नहीं बच पाएगा ये वानर। इस यज्ञकूप को रोकने का उपाय ढूंढना होगा। राक्षस, हनुमान तुम्हें और वानर योद्धाओं को क्षति नहीं पहुंचाने देगा। मेरे ध्वनि प्रहार करेंगे तुम सबका संहार। देखता हूं तुम कैसे बच पाते हो। ये तो मामा जामवंत द्वारा रक्षित प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के समीप जा रहा है। वानर वीरों, आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। हनुमान की भक्ति की शक्ति तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। अच्छा है कि तू मेरे निकट आ गया। जिसके हृदय में राम नाम की गूंज हो, उनको तुम्हारी ध्वनि छू भी नहीं सकती। अच्छा, तो राम नाम की शक्ति से ही इन असुरों का सामना कर सकते हैं। ए राक्षस, तेरी शक्ति निरस्त करूंगा मैं। नील, सुशील, हमें हनुमान ने गवई की सहायता के लिए भेजा है, जिससे इस राक्षस पे हम संयुक्त प्रहार कर इसका अंत कर सकें। चलो चलो बचो मित्रों, बचो मित्रों, बचो 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 मित्र। होता है मुझे और प्रभावी वार करने पड़ेंगे। राम, 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 राम। जय श्री राम। किंतु यज्ञकोप अभी भी जीवित है, वह हनुमान को उलझाए रखेगा। तुम्हारा वार यज्ञकोप को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, परंतु मैं यहाँ खड़े खड़े ही तुम्हारी वानर सेना को अपार क्षति पहुंचा दूंगा। तो
तुम मेरे ध्वनि प्रहारों से बच सकते हो, मगर ये साधारण वानर सेना नहीं। निष्प्रभाव करने के लिए सर्वप्रथम मुझे इसे वानर सेना से और भी दूर ले जाना होगा। छोड़ वानर, मुझे कहां लेके जा रहा है मुझे? ऐसे बंद स्थान पर लाने की बहुत बड़ी मूर्खता की है तूने वानर, जहां मेरे ध्वनि प्रहार और भी प्रबल हो जाएंगे। कितने भी और कैसे भी प्रयास कर लो दुष्ट, परंतु अब मैं तुम्हें अपनी सेना को हानि पहुंचाने के लिए मुक्त नहीं होने दूंगा। महामायावी राक्षस हूँ मैं, ना तो मेरा वध संभव है और ना ही मुझे बंदी बनाकर रख सकते हो। सफल हो गई मेरी योजना, हट गया हनुमान अपना स्थान छोड़कर, और अब अग्नि केतु और अक्रांता सुग्रीव के समीप पहुंचकर उसका वध कर देंगे। शांत रहना चाहिए। कौन हो तुम? सेना से विपरीत दिशा में क्यों जा रहे थे तुम? शीघ्र कहो, कौन हो तुम? वानर नहीं, ये तो राक्षस है।
दुष्ट वानर, मैं शीघ्र यहाँ से निकल आऊंगा, तब मेरी संहारक शक्ति कोई नहीं रोक पाएगा। इसकी प्राण घातक ध्वनि से बचने का एकमात्र उपाय यही है, जितना शीघ्र हो सके इससे अधिक से अधिक दूर चले जाओ। इस यज्ञकूप को रोकने का उपाय ढूंढना होगा। ये हनुमान लंका की ओर क्यों जा रहे हैं? हनुमान के लौटने से पूर्व मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। मैं युद्ध का अंत करूंगा अभी और यही। शक्तियों का प्रयोग सदैव सकारात्मक कार्य के लिए करना चाहिए, अन्यथा स्वयं के विनाश का कारण बन सकती है।